हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की एक दिवसीय अखिल भारतीय की हड़ताल। पाली राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की एक दिवसीय हड़ताल की RMSRI की पाली व सिरोही इकाई के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीतियों में फेरबदल करने के विरोध में अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल की। ये जानकारी पाली इकाई सचिव महिपाल सिंह मेड़तिया ने दी कि पाली व सिरोही इकाई के 300 व राजस्थान के 6000 दवा प्रतिनिधि व अन्य श्रमिक संगठनों के साथ हड़ताल में शामिल है। हड़ताल के दौरान अपनी विभिन्न मांगों को जिला कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रकट राज्य कार्यकारिणी सदस्य पूरन सिंह ने बताया कि श्रम कानूनों के साथ साथ निजीकरण, ठेका प्रथा, सेल के नाम पर छटनी, स्थानांतरण, वेतन कटौती आदि बंद की जाए, सेल प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 को बहाल करें, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर 0 GST लागू करें, इन आदि मांगों को लेकर पाली इकाई के अभिषेक खत्री, अनिल पवार, हरीश दवे, जितेंद्र परिहार, हेमाराम चौधरी, ललित जोशी, दिलीप चौधरी, नरेंद्र यादव आदि समस्त दवा प्रतिनिधि शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।